कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटेन में एक रेज नाम के वायरस ने पूरे ब्रिटेन को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जिससे इन्फेक्टेड हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर बाकी सारे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहा है। इसी बीच उस हालत से बचने के लिए एक कपल जिनका नाम डॉन और एलिस था, वो लोग एक केबिन के अंदर छुपे हुए थे। उनके साथ एक ओल्ड कपल और कुछ लोग भी थे जो हालत की ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डॉन और एलिस को एक और बात की परेशानी थी कि उन्होंने अपने बच्चों को एक ट्रिप के लिए फ्रांस पर भेज दिया था, पर फ्रांस में अभी तक ये इन्फेक्शन पहुंचा नहीं था, जिस वजह से वो लोग अभी तो ठीक थे। अब कुछ देर बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। डॉन जब उठकर चेक करने के लिए जाता है, तब वो देखता है कि वो बस 10 साल का एक बच्चा है। इसी बीच डॉन उस बच्चे को घर के अंदर लेकर दरवाजे को लॉक कर देता है। तभी वो बच्चा उन लोगों से कहता है कि वो पास के इलाके से भाग कर आया है, क्योंकि उसके मॉम और डैड ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुनकर उनमें से सभी लोगों को काफी दुख होता है, और तभी उनमें से एक लड़की केबिन के छेद से घर के बाहर क्या कुछ हो रहा है ये देखने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी कॉटेज की दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। उधर दूसरी तरफ आवाज सुनकर बाकी सारे लोग भी उस लड़की की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उनकी साथी भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। अब ये सब कुछ देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एलिस उस बच्चे को बचाने के लिए जाती है। उधर डॉन एलिस को अपनी जान बचाने के लिए कहती है, लेकिन एलिस उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद कुछ ही देर में उस जगह की हालत काफी खराब हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज एक एक करके उनमें से सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन जॉन एलिस और वो बच्चा अभी तक ठीक था, पर ज़ॉम्बीज उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। तभी एलिस जॉन से मदद मांगती है, लेकिन जॉन उस जगह की हालात को देखकर एलिस को वहीं पर ही छोड़कर खिड़की से होकर भागने लगता है। अब उसे भागते हुए देखकर एलिस उससे काफी मदद मांगती है, लेकिन जॉन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी एलिस और उस बच्चे को मार डालते हैं। उधर जॉन उस ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लिया था। इसी बीच जॉन भागते भागते एक नदी के पास जाकर पहुंचता है और वो देखता है कि उसकी ही एक साथी बोट लेकर वहां से भाग रहा था। जॉन भी उस बोट में चढ़ जाता है और उसके साथ भागने लगता है, लेकिन हड़बड़ाहट में उसकी साथी बोट से गिर जाता है और वो ज़ॉम्बीज आकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। अब जॉन किसी तरीके से उन ज़ॉम्बीज से बचकर बोट लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन यहां पर शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें 4 हफ्ते बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर भूखमरी के कारण उस शहर में मौजूद सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे मर रहे थे और अब देश के आर्मी ने वहां के पूरे कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन इन सब के लिए उनके आर्मी की टीम छोटी पड़ रही थी, जिस वजह से वो लोग अमेरिका के आर्मी से मदद लेते हैं। और इस घटना के 28 हफ्ते बाद जनरल स्टोर की एक यूनिट बचे हुए लोगों के लिए एक शेल्टर बनाता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट 1 नाम देकर सारे सर्वाइवर्स को वहां पर लाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें वो लोग बाहर फंसे हुए ब्रिटेन सिटीजंस को भी वापस बुला लेते हैं। उन सर्वाइवर्स में जॉन और एलिस के 2 बच्चे भी थे, जिनके नाम थे टीम और एंडी। इधर वो आर्मी उनके हिफाजत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, जिसमें स्नाइपर डॉयल और चॉपर सेबलिंग ज़ॉम्बी के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए थे। अंदर स्कारलेट नाम की एक डॉक्टर भी थी जो उस वायरस के ऊपर रिसर्च कर रही थी। इसी बीच वो देखती है कि एलिस के बेटे एंडी का दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। दरअसल ये एक जेनेटिक बीमारी है जो एलिस से होकर एंडी के पास आया था, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि एलिस और एंडी के जीन्स काफी मिलते जुलते थे। अब आगे हमें जानने को मिलता है कि डॉन भी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रहता था, क्योंकि उस बोट से भागने के बाद उसे आर्मी ने बचा लिया था और अब वो डिस्ट्रिक्ट 1 का ही केयरटेकर है। वो बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उनकी माँ एलिस के साथ हुई हादसे के बारे में उन्हें बताता है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि वो एलिस को छोड़कर वहां से चला गया था। अब ये सब कुछ सुनकर उन बच्चों को काफी बुरा लगता है और उसी रात एंडी अपने सपने में अपने मॉम को देखती है। इसके बाद उसे काफी बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसके पास उसकी मॉम की एक भी फोटो नहीं थी। इसीलिए टीम और एंडी अपने पुराने घर जाकर उनके मॉम की एक फोटो लाने का फैसला करते हैं। अब वो लोग अगले ही दिन छिप छिप कर उस सेफ जोन से निकल जाते हैं और रास्ते में गिरा हुआ एक स्कूटर लेकर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ उनके भागने की खबर वहाँ के आर्मी को भी पता चल गया था और वो लोग उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। इधर वो दोनों जब अपने घर पर पहुँचते हैं, तब उन्हें वहाँ पर एलिस की फोटो मिलती है, लेकिन तभी एंडी अपने ऊपर के फ्लोर में चली जाती है, जहाँ पर वो एलिस को देखती है जो कि अभी भी जिंदा थी। अब एलिस उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और खुशी से उसे इस तरीके से हग करती है कि उसे दर्द होने लगता है। इसीलिए वो वहाँ से चिल्लाकर बाहर आता है, जहाँ पर उसे आर्मी के लोग मिलते हैं जो उन्हीं लोगों को फॉलो करते हुए वहाँ पर आए थे। अब वो लोग उन दोनों बच्चों के साथ साथ एलिस को भी अपने साथ लेकर आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्कारलेट एलिस को जब चेक करती है, तब उसे एलिस के हाथों में ज़ॉम्बी बाइट देखने को मिलता है, जो देखकर वो एलिस से काफी सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन एलिस उसकी बात की कोई भी जवाब नहीं देती। इसीलिए वो एलिस की ब्लड टेस्ट करती है, जिससे उसे पता लगता है कि एलिस इस वायरस से इन्फेक्टेड तो है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसके ऊपर इस वायरस की कोई भी सिम्टम नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुई थी, पर वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकती थी। इधर जॉन को जब सारी बातें पता चलता है,
है तो वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाती है। लेकिन उसके बच्चे ऑलरेडी उसके ऊपर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने बताया था कि एलिस मर चुका है, और अब वो लोग अपने मॉम को जिंदा देखकर अपने डैड से काफी नाराज थे क्योंकि उनके डैड ने उन्हें झूठ कहा था। दूसरी तरफ जॉन को भी इस बात का डर था कि एलिस अगर उन बच्चों को सब कुछ सच सच बता देता है तो वो बच्चे जॉन के ऊपर नफरत करने लगेंगे क्योंकि जॉन एलिस को वहीं पर ही मरने के लिए छोड़कर चला गया था। इसके बाद जॉन एलिस से बात करने के लिए जाता है और क्योंकि वो उस जगह का केयरटेकर था तो उसे सभी जगह जाने का परमिशन भी था। इधर जर्नल स्टोन एलिस की हालत को देखकर उसे जान से मारने का फैसला करता है क्योंकि वो एलिस को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। तभी स्कारलेट उसे बताती है कि वो एलिस के थ्रू इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकती है। उधर दूसरी तरफ जॉन छुप छुप कर एलिस के पास चला जाता है और उसे अपने बातों में फंसा कर उसे इमोशनल कर देता है। इसके बाद एलिस भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड थी जिस वजह से डॉन भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो जोम्बी में बदलने लगता है। अब डॉन को जोम्बी में बदलते हुए देखकर एलिस काफी घबरा जाती है और चीखने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कोई वहां पर पहुंचे डॉन बहुत ही बुरी तरीके से एलिस को मार डालता है। इसके बाद डॉन एक एक करके वहां पर मौजूद सभी आर्मी को मारने लगता है जिससे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। उधर स्कारलेट उन दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन अफरा तफरी की वजह से एंडी उन लोगों से बिछड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ आर्मी सेफ्टी के लिए काफी लोगों को एक घर के अंदर बंद कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉन भी जॉम्बी में बदल चुका था और वो गुस्से में आकर घर को तोड़कर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वहां पर भगदड़ मच जाता है और वहां पर मौजूद काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब वहां पर जॉम्बीज की क्वांटिटी बढ़ रहा था और ऊपर से स्नाइपर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि कौन जॉम्बी है और कौन इंसान, जिस वजह से उन्हें वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन उस जगह से बाहर ना निकले। लेकिन डॉयल को घबराया हुआ मासूम लोगों को मारने के लिए काफी बुरा लग रहा था जिस वजह से वो उन लोगों की मदद करने के लिए जाता है। उधर एंडी भी भाग कर किसी तरीके से एक रूम में आ जाता है जहां पर ऑलरेडी स्कारलेट और टीम छुपी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर डॉयल आ जाता है और वो कहता है कि अगले 4 मिनट के अंदर इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा, इसीलिए हमें अगले 4 मिनट के अंदर इस जगह से निकलना होगा। इसके बाद वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उस जगह से निकलना काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरीके से छुपते छुपाते उस जगह से निकल कर एक टर्नल में जाकर छुप जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जगह भी ब्लास्ट हो जाता है जहां पर वो सारे जॉम्बीज मौजूद थी, जिस वजह से वहां पर मौजूद सारे जॉम्बी मारे जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से निकलकर किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी स्कारलेट डॉयल से कहती है कि हमें किसी भी हालत में एंडी को सेफ रखना होगा क्योंकि एंडी के बॉडी में एलिस की जीन मौजूद थी और एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से हम एंडी की मदद से इस बीमारी से बचने के लिए इलाज ढूंढ सकते हैं। अब वो लोग किसी तरीके से वहां से भागने लगते हैं लेकिन रास्ते में आर्मी के लोग टीम को देख लेते हैं। इसके बाद वो लोग टीम को उस वायरस से इन्फेक्टेड समझकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से जलाकर मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग काफी जोम्बी से बचकर जैसे तैसे करके एक स्टेडियम के अंदर पहुंचते हैं जहां पर ऑलरेडी डॉयल को लेने के लिए उसकी दोस्त फ्रेम मौजूद था। वो उन दोनों को देखकर उन दोनों को मारने के लिए गन उठाता है लेकिन वो बेगुनाह लोगों को मारना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो गन को नीचे कर लेता है और एंडी और स्कारलेट को लेकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों यहीं पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर काफी दिनों से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर पता ही होगा कि मैं ज़ॉम्बीज मूवीज एक्सप्लेन नहीं करता, पर फिर भी मैं इस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर दीपक भाई ने रिकमेंड किया था। तो ऐसे ही आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मूवी अच्छा लगता है, मैं जरूर आपके लिए उस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना। आता हूं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।